हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब ठीक हैं। तो गाइस, आज है मेरी फ्रेंड का बर्थडे और हम जा रहे हैं वहाँ पर। तो गाइस, वहाँ पर हम पार्टी करेंगे, इन्जॉय करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। सो गाइज, यहाँ पर हमने पहले चाय वाय पी ली थी, तो यहाँ पर हमने जो पार्टी का सामान ऑर्डर करा था वो हमारा आ चुका है। हम इसको खाते हैं, पीते हैं और आपको भी दिखाते हैं। सो गाइस, हमने पार्टी वगैरह कर ली थी। यहाँ पर हम बनाते हैं, कुछ वीडियो लेते हैं, पिक्चर विक्चर तो करते हैं एंजॉय और आपको भी दिखाते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैं जा रही हूँ घर, मिलते हैं आपसे घर जाकर। द नेक्स्ट डे, यहाँ पर हो चुका था नेक्स्ट डे और हो रही है बारिश। इस बारिश के मौसम में आलू के पराठे ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो गाइज, यहाँ पर बनाते हैं आलू के पराठे और करते हैं इंजॉय। सो गाइज, हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था, अब हम बनाते हैं मीठी टिकिया। यहाँ पर हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो गाइज, बरसात के मौसम में कुछ चाय के इसके साथ अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ। तो हम यहाँ पर मीठी टिकिया बना कर रखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि कैसे बनती है। तो गाइज, आप देखें और इंजॉय कीजिए। सो गाइज, यहाँ पर जो मैदा है वो हमारे, उसमें हमने इलायची का पाउडर मिला लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे नारियल, जो हमने नारियल निकाल कर रखा था उसको मिलाएंगे। फिर इसमें मिलाएंगे हम सूजी और उसके बाद इसमें रिफाइंड मिलाकर इसको गूंध लेंगे और अच्छे से चीनी की पत मिलाकर, क्योंकि इसको रिफाइंड और चीनी की पत से ही गूंधा जाता है, इसे पानी से नहीं गूंधा जाता। तो गाइज, गूंधते हैं और आपको दिखाते हैं।
सो गाइज यहाँ पर हमारा आटा गूंद कर तैयार है। तो गाइज अब बनाते हैं इसके पेड़े, और बड़े बड़े पेड़े बनाकर इसको बेल लेंगे। आप इसको किसी बड़ी चीज़ पर बेल सकते हो, मैं इसको यहाँ पर चकले बेलन से ही करूँगी। तो गाइज यहाँ पर बेलते हैं और फिर इसको गोल गोल कट करते हैं। तो गाइज हमने सारे आटे को इस प्रकार से बेलकर इसकी छोटी छोटी पूरियां बना ली हैं, जिसे कहते हैं मीठी टिकिया, जो कि बरसात के मौसम में चाय से खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। इसको आप बनाकर भी रख सकते हो। तो गाइज यहाँ पर हमने बहुत सारी बना ली है, अब इसका होता है सेकने का टाइम। तो गाइज यहाँ पर भाभी सेकेंगी, तो गाइज मैं बनाती रहूँगी और भाभी सेकती रहेंगी। सो गाइज यहाँ पर हमारा तेल हो गया है तैयार, अब इसमें सीखती है गर्म गर्म मीठी टिकिया। तो गाइज आप देखिए, इंजॉय कीजिए। तो गाइज यहाँ पर हमारी मीठी टिकिया बनकर तैयार है, अब इसको चाय से इंजॉय करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो गाइज यहाँ पर हो चुका था नेक्स्ट डे, हमारी जो एक फ्रेंड है उसका हुआ है रिश्ता, और चलते हैं उसके घर, उसका मुबारकबाद देते हैं रिश्ते की। तो गाइज यहाँ पर हमारे सभी फ्रेंड आ चुके हैं और हम भी इकट्ठा हो चुके हैं, करते हैं इंजॉय और आपको भी दिखाते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पर बैठी थी तो सोचा कुछ खा लेते हैं, कुछ खाने की क्रेविंग सी हुई है, तो यहाँ पर चिप्स का पैकेट रखा था, मैं उसको ही खा रही हूँ। तो गाइज ये कैसा आम है, इसको कहते हैं फ्रामोस, जो कि हार्ट शेप का होता है। तो गाइज ये जुड़वा होते हैं एक ही जगह, जो भी फल जुड़वा होता है एक जगह उसको फ्रामोस कहते हैं। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।